वेलकम बैक दोस्तों, बॉलीवुड धमाल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं केयूर जानी, मैं जो हर रोज आपको बॉलीवुड के सितारों के बारे में नई नई बातें बताता हूँ, आज मैं एक ऐसी लड़की के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों, कि जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आती थी, पर उसके अंदर वो बात थी कि वो ना मुंबई में पली बड़ी ना दिल्ली में पली बड़ी, फिर भी उसमें वो बात थी कि मुंबई में फिल्मी गलियारों तक उसके चर्चे वो जो स्कूल में थी तब से ही होने लगे थे और उसको बड़े से बड़े डायरेक्टर्स बतौर हीरोइन लेना चाहते थे और उसके पास ऑफर्स लेकर लाइन में खड़े थे। दोस्तों, जनवरी 79 के अंदर दिल्ली में एक लड़की का जन्म हुआ, वो महज 8 साल की थी। तब उसके पिताजी का कलकत्ता ट्रांसफर हो गया है तो वो कलकत्ता चली गई। कलकत्ता में उसका स्कूलिंग चल रहा था, तब स्कूल में जो एक छोटे पैमाने पे फैशन शो वगैरह होते हैं उसमें उस लड़की ने पार्ट लिया, पर वहीं से उसको उसके कॉन्फिडेंस को, उसके फेस को और उसकी पर्सनालिटी को ऐसा नोटिस किया गया कि उसके नाम की चर्चा होने लगी। कलकत्ता में ही एक छोटे में पैमाने पे फैशन शो हुआ, उसके बाद उसका फिनाले हुआ। उस फिनाले में बतौर जज विनोद खन्ना पहुंचे थे। विनोद खन्ना बतौर जज पहुंचे, वहां पे फाइनल में इस लड़की को देखा तो उन्होंने अपने बेटे को लेकर जो फिल्म लॉन्च कर रहे थे हिमालय पुत्र, उसमें इसको हीरोइन लेने का निर्णय किया। मैं बात कर रहा हूँ बिपाशा बसु के बारे में। वो ना ही फिल्मी बैकग्राउंड से आती थी, ना ही वो मुंबई या दिल्ली में पली बड़ी थी, फिर भी वो कलकत्ता में रहते हुए एक स्कूल के अंदर फैशन शो के अंदर पार्ट लेने के बाद भी वो इतना नाम कर चुकी थी कि उनकी पर्सनालिटी और उनके लुक्स के चर्चे बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में हो रहे थे। विनोद खन्ना ने उनको ऑफर किया कि हिमालय पुत्र में मैं अक्षय खन्ना के सामने तुम्हें बतौर हीरो लॉन्च करना चाहता हूँ, पर वो उस टाइम पे स्कूल में थी, बोर्ड एग्जाम्स और दूसरी पढ़ाई में भी उसको ध्यान रखना था, इस वजह से उन्होंने छोटी उम्र का बहाना बनाकर हिमालय पुत्र में अक्षय खन्ना के सामने विनोद खन्ना बैनर की फिल्म के लिए मना कर दिया। दोस्तों, बात वहीं पर नहीं रुकी, उनकी लुक्स पर्सनालिटी और उनका जो परफेक्ट हीरोइन के लिए जो भी अपीयरेंस था उसकी यहाँ तक चर्चा थी कि जेपी दत्ता अभिषेक बच्चन को लेकर रेफ्यूजी फिल्म बनाने जा रही थी जिसमें अभिषेक बच्चन को लॉन्च कर रहे थे। तब उन्होंने बतौर हीरोइन बिपाशा को साथ में लेने का सोचा और बिपाशा को ऑफर की, पर वो ऑफर भी बिपाशा ने विद ड्यू रिस्पेक्ट ठुकरा। उसके बाद जेपी दत्ता ने करीना कपूर को लॉन्च किया रेफ्यूजी में, जिसमें वे पहले बिपाशा बसु को लॉन्च करना चाहते थे। बिपाशा बॉलीवुड में आने से कैसे रह सकती थी जब इतने बड़े बड़े बैनर की फिल्मों में उसको एज ए न्यू कमर ऑफर हो रही थी, डेब्यू फिल्म में ही इतने बड़े बैनर्स उसको ऑफर हो रहे थे। उसने उसके बाद जब पहली फिल्म की वो अब्बास मस्तान की अजनबी, जिसमें उसके साथ अक्षय कुमार, बॉबी देओल, करीना कपूर जैसे बड़े बड़े स्टार उस टाइम पे जिसको माना जाए वो थे, पर उसका रोल नेगेटिव पे था। उसने फर्स्ट फिल्म नेगेटिव रोल से एक्सेप्ट की और उसमें उसका डेब्यू हुआ। उसके बाद राज मूवी ऑफर हुई, राज में उसका डेब्यू हुआ। दोस्तों, बाय नेचर उनको अंधेरे से और भूतों से डर लगता है, वो सुपरस्टिशियस है, फिर भी उनको राज ऑफर हुई। राज में उनको लगा कि ये दमदार रोल है, अजनबी में भी उनको दमदार रोल लगा कि चाहे नेगेटिव कैरेक्टर है पर रोल दमदार है,
जहाँ पे मेरी एक्टिंग इतने बड़े स्टार्स के बीच में भी एज अ न्यू कमर नोटिस की जाएगी, मेरा कैरेक्टर को मैं इतना जस्टिफाई कर सकूँ, इसमें इतना स्कोप है, तो उन्होंने वो रोल से डेब्यू करना पसंद किया इतने बड़े स्टार्स होने के बावजूद भी। सेम उन्होंने राज में भी अपना कैरेक्टर देखा, रोल का जो स्ट्रेंथ था वो देखा और उन्होंने राज मूवी को भी सिलेक्ट किया और उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्टिंग की वजह से इतना नाम बनाया कि लोग उनको पहचानने लगे। उसी फिल्म के अंदर वो दीनू मोरियो के कांटेक्ट में आई, दीनू मोरियो के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रही, दीनू मोरियो के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में थी, उसी टाइम में उनको दूसरी फिल्म्स ऑफर होने लगी, राज सक्सेसफुल हो चुकी थी और उसके बाद उनको जिस्म ऑफर हुई, जिसके बाद वो जॉन अब्राहम के साथ में रिलेशन में आई और उनके साथ भी 8 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रही। दीनू मोरियो को जॉन पहले से जानते थे और दीनू मोरियो ने राज सक्सेसफुल होने की वजह से एक पार्टी दी थी, उसी पार्टी में जॉन आए थे और जॉन से उनको उनकी पहचान हुई। उसके बाद किस्मत से ही उन दोनों को जिस्म में साथ काम करने का मौका मिला और उसी दौरान वो नजदीक आए और उसके बाद बिपाशा और जॉन लिव इन रिलेशनशिप में 8 साल तक रहे। बिपाशा का फेस कट, पर्सनालिटी, एक्टिंग, उन सब का एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो फिटेस्ट हीरोइन मानी जाती है। वो खुद अपनी फिटनेस पे काफ़ी ध्यान रखती है, वो डेली अपनी फिटनेस के लिए अपना जो शेड्यूल है कुछ भी हो जाए पर वो डिस्टर्ब नहीं करती है और फिटनेस पे वो बहुत ही फोकस रहती है। वैसे वो 2015 से अभी जो उनके हस्बैंड हैं करण सिंह ग्रोवर उनके कांटेक्ट में, करण सिंह भी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, वो भी फिटनेस के काफ़ी फिटनेस के लिए कॉन्शियस रहते हैं। उन दोनों ने 2016 में शादी कर ली। बिपाशा ने फिटनेस के लिए ही लोगों को, देशवासियों को फिटनेस के लिए गाइड करने के लिए 2 बुक्स लिखी और सीरीज़ भी बाहर उन्होंने निकाली है, जिसमें एक है मॉर्निंग कार्डियो और दूसरी है टोटल फिटनेस। ये दोनों बुक्स बहुत ही सक्सेसफुली रन हुई है, लोग उसको देखकर फिटनेस के लिए इंस्पायर होते हैं। आज भी बिपाशा देश की महिलाओं के लिए फिटनेस की एक मॉडल है। दोस्तों, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी और ना ही मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में पले बढ़े कि जहाँ पर फिल्मी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिल जाता है, ऐसे माहौल में भी पढ़े न बढ़ने के बाद भी कलकत्ता में रहते हुए अपनी एक आइडेंटिटी बनाना और बॉलीवुड में आकर दस्तक देकर बड़ी बड़ी बैनर की फिल्मों से लॉन्च होना, ये कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, उनके जन्मदिन के ऊपर हम बिपाशा को आज याद करते हैं और उनके आने वाले सालों में जो भी फ्यूचर है, जो भी करियर है, उसके लिए हम बेस्ट विशेष उनको देते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं केयूर जानी बॉलीवुड धमाल में आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। आप बने रहिए सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ और हमारे पास से आप नई नई बातें जानते रहिए। थैंक यू वेरी मच।